हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उर्दू एजुकेशन वीडियो में। तो आज के देखो हमारे पांच अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा दसवीं मध्य प्रदेश बोर्ड 2020 की परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में ज़्यादा प्रश्न नहीं होने वाले, काफ़ी सरल काफ़ी सीमित प्रश्न है जिन्हें जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप गणित की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आज के वीडियो में प्रश्न बताने वाला हो ये आपको याद होने चाहिए। तो आप जो इन प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें जो है इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। तो मैं वीडियो में आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, मैं जो है बताते चलता हूँ क्योंकि पीडीएफ मेंबरशिप मेरी खत्म हो चुकी है तो अभी तो मैं डलवा नहीं सकता, ठीक है। तो मैं डलवाऊंगा तब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा दूसरे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। गणित में तो नहीं होगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, और सिद्ध कीजिए में से चारों में से आपको एक ना एक पूछा जाता है। 2019 में भी पूछे गए थे और 2020 में भी इनमें से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आप इन चारों का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इनकी तैयारी कीजिए, ठीक है। कॉपी पर बार बार लिख लिख कर इनका प्रयास कीजिए। अगला आपका पाँचवा प्रश्न कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का सूत्र निर्मित कीजिए, कक्ष। ये आपका चैप्टर 11वां रचनाओं में से है, तो आप जो इसे जरूर कीजिएगा। 5 अंक के लिए पूछा ही जाता है। इसमें आपको छठवां प्रश्न है रचनाओं वाले चैप्टर में से 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों को मापिए, ठीक है। और ये भी आपका रचनाओं में से। अगला आपका पानी पीने का गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के चिन्ह के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों पर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इस गिलास की धारिता आपको ज्ञात करनी है। अगला आपका दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें प्राप्त घनाभ को लिखना है हमें, ठीक है। अगला आपका क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगला है आपका सांख्यिकी में से कि दिए गए आंकड़ों का माध्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सारणी भी बनाकर दे दी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींचते चलिए। अगला आपका निम्नलिखित द्वारा अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या एवं उनकी आयु के संबंध है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर बहुलक की गणना करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। अगला आपका माध्य ज्ञात कहता है हमें, आपको तो पता ही होगा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य माध्यक बहुलक, ठीक है। ये सभी आपको प्रैक्टिस कर लेनी इनकी, ये पूछा ही जाएगा आपका। निम्नलिखित बैठक किस फैक्ट्री 50 श्रमिकों की दैनिक आय है, ठीक है, और हमें यहाँ पर माध्य माध्यक वही ज्ञात करना है बहुलक। अगला आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसके मूल हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें इसके भी मूल ज्ञात करना है, ठीक है। अगला आपका दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों संख्याओं का योग है 365 है, तो संख्या ज्ञात करना है हमें दोनों धनात्मक पूर्णांक। अगला आपका एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यदि इसकी चाल 5 किमी अधिक है होती है तो उसकी द्वारा या 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल निकालिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न हो जाते हैं। जिन जिन चैप्टर में से ब्लू प्रिंट के आधार पर आप देखिएगा 5-5 अंक के प्रश्न आने हैं, उन्हीं चैप्टर में से हमने लिए हैं ये, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इनकी तैयारी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे हमारा अगले वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके हमें, और इसी टॉपिक पर हम जो अगला वीडियो आपके लिए लेकर आए, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में।